One is shocked to note some of the kind of comments on the social media that are coming with Prime Minister Narendra Modi ji visiting Maldives. As the Prime Minister of the country, he visits a part of India, a beautiful part of India. Crows of people are excited to see the beauty of Maldives. Can this be an occasion of any kind of political comment or criticism? Should this not be a cause of celebration that what a beautiful part it is, we all should be going there? Here is a prime minister who cares for India. Always is vocal about local. He talks about let's visit all the beautiful places in India. He goes to Mal, he goes to uh, and we are finding racist comments coming from Maldives. That's really surprising, and that needs to be condemned in the harshest manner possible. Equally condemnable is those within the country who are criticizing Prime Minister Modi going to Lakshadweep. अद्भुत बात है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के खूबसूरत जगह जाते हैं और यह जानने को मिलता है कि सोशल मीडिया में कई लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं और अजीब और गरीब बयान दे रहे हैं ये कैसे हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारत के लिए सोचा है हमेशा कहा है कि भारत के अंदर में खूबसूरत जगह है उनमें जाना चाहिए लक्षद्वीप गए करोड़ों लोगों में उत्साह आ गया कि हमें भी लक्षद्वीप जाना चाहिए लेकिन देश के अंदर में कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं टिप्पणी कर रहे हैं क्या भारत के प्रधानमंत्री भारत में जाए और किसी भाग के बारे में सबको जानकारी दे ये क्या टिप्पणी वो भी एक नकारात्मक रूप से यह भी जानने को मिला है कि शायद मालदीव में कई लोग अजीब और गरीब बयान दे रहे हैं ये वहां की मानसिकता और स्थिति को दर्शाता है लेकिन जो भारत में है वो यदि इसका प्रधानमंत्री जी के लक्षद्वीप जाने के ऊपर में प्रश्न उठाते हैं या टिप्पणी करते हैं वो भी अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं महबूबा मुफ्ती जी के कई वर्षों से जो बयान आते हैं उसे ऐसा लगता है कि उनकी हमदर्दी उन लोगों के साथ है जो मासूम लोगों पे गोलियां चलाते हैं और हमेशा इस बात को दोहराते दोहराते कई बार ये प्रश्न उठता है कि किस कारण से वो ये ऐसे प्रश्न उठाते हैं क्यों वो चाहते हैं कि इन लोगों से बात हो जिनकी भाषा ही बंदूक की है क्या वो चाहते नहीं कि वहां जम्मू कश्मीर में लोग सुरक्षित रहे और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है दिन रात जो मेहनत करते हैं सुरक्षा करने के लिए पूरे कदम उठाए तो मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती जी को सोचना चाहिए कि, कि किस पाले की तरफ खड़े हैं खड़ी हैं वो और क्या कह रही है one, one has noted that With regard to that segment that is perpetrating violence and also contributing to the death of innocent people in Jammu and Kashmir.